हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आप सब कैसे हो? मैं बहुत अच्छी हूँ और बहुत ज़्यादा ही खुश हूँ आज का दिन, क्योंकि आज मेरी छोटी गुड़िया का बर्थडे है, जन्मदिन है। तो आज आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पर मैं खाने का इंतज़ाम कर रही हूँ। तो ये सारा चीज़ जो मैं बना रही हूँ ना, बस उसी का ही पसंद का बना रही हूँ, क्योंकि उसने मुझे 2 दिन से ही बोल के रखी कि मम्मी आज मेरे बर्थडे के दिन जो भी चीज़ बनेगा बस मेरा पसंद का होना चाहिए। क्योंकि आप लोग रोज़ आपका पस अपने पसंद से बनाते हो, लेकिन आज का जो भी खाना बनेगा मेरा पसंद से। मैंने भी बोला हाँ बाबा, अपना लिस्ट बता दो, मैं तुम्हारे लिए वैसे ही तुम्हारे पसंद का सब कुछ बनाऊंगी। तो ज़्यादा कुछ नहीं बनाए थे, बस खीर बनाई थी और छोला पनीर जो उसका फेवरेट है। तो वो पहले बोली थी मम्मी छोला पनीर तो होना चाहिए, तो मैं बोली ठीक है वो भी बना दूँगी। सलाद था और क्या पुलाव था, वेज पुलाव और कैबेज का भाजी। और आप देख रहे हो यहाँ पर सलाद भी बनाई हूँ। तो और रसगुल्ला जो हमारे बंगाली का रहता है, और बैगन भाजा, ये तो मस्त है हमारे लिए। तो ये सब बनाई थी और उतना खुश हो रही थी। और ये पापड़ भी आप देख सकते हो, बहुत ज़्यादा ही खुश हो रही थी, मतलब बोलते ना फूले नहीं समा रही थी, इतना खुश थी। बट हाँ, ये है कि जैसे कि बोलते हैं ना, बहुत सारा धूमधाम से मनाना, जैसे बहुत ज़्यादा गेस्ट को बुलाना, छोटे छोटे बच्चों को बुलाना, तो वो लोग आते हैं तो बोलते हैं ना पार्टी में चार चांद लग जाते हैं। बट हमारे लिए ये मनाही है करना, मतलब हमारे में इतना नहीं होता है, मतलब ऑलरेडी करना ही नहीं है ऐसा रहता है। फिर भी हम लोग ने जितना चाहा कि घर पे ही थोड़ा सा वैसे ही उसको फीलिंग्स लाए कि भाई हम लोग तुम्हारे बर्थडे को बहुत स्पेशल बना रहे हैं, और बस बाहर का किसी को नहीं बुलाना है, क्योंकि हम लोग में नहीं चलता इसके लिए। बाकी सब कुछ हम लोग ने किया। और ये खाने से पहले भगवान को प्रे कर रही है और आप लोग से आशीर्वाद भी ले रही है। तो प्लीज़ आप लोग अपना आशीर्वाद दे मेरे बेटी को। और यहाँ पर दोनों बहनें हैं जो बड़ी चाव से खा रही है, और खाते खाते बोले कि मम्मी बहुत ही अच्छा लगा। तो मैंने बोला चलो अच्छा है, तुम लोग को अच्छा लगा तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है। और दोनों बहुत ही अच्छे से चाव से खा रही थी, और उनको और भी मांग मांग के भी खा रही थी। तो मैं बहुत खुश होगी, चलो उसका स्पेशल जो खाना उसने बोला था मम्मी बनाओ और उसको अच्छा लगा, तो इससे बड़ी बात और क्या हो सकती है। तो ये तो दोपहर का खाना था, लंच था। और वो तो खाते खाते बोली मम्मी लंच तो हो गया, अब शाम को क्या करना है। मतलब बाप रे, अभी इसको शाम के लिए भी स्पेशल करना है। तो मैंने फिर हस्बैंड को बोला कि जाओ थोड़ा बलून्स वगैरह लेके आओ, डेकोरेशन कर देते थोड़ा बहुत, क्योंकि ना हम लोग को करने के लिए कुछ नहीं, बहुत अच्छे से कर सकते, लेकिन कहीं ना कहीं मन में डर रहता है, जैसे हमारा नहीं चलता है तो कहीं कुछ ना हो जाए, वो मन में एक डर बैठा रहता है ना। इसीलिए फिर मैं बच्चे लोग को समझाती हूँ बेटा हम लोग को नहीं चलता है, फिर भी चलो हम लोग चारों जन मिलके तो इन्जॉय कर रहे हैं ना, सेम सब कुछ करना है, ऐसा कुछ नहीं। हम लोग डेकोरेशन कर रहे हैं, केक ला रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। बस होता है जो थोड़ा सा भीड़ भाड़, अपना गेस्ट लोगों को बुलाओ, फ्रेंड लोगों को बुलाओ, बस यही नहीं होता, बाकी सब तो कर ही रहे हैं हम लोग। फिर वो खुश हो गई। फिर उसका डिमांड था मम्मी पाइनएप्पल फ्लेवर का हमें केक चाहिए, तो मैं बोली चलो ये भी हम तुम्हारे लिए करेंगे। फिर हम लोग गए केक शॉप में, गए फिर चॉइस किए, और आप देख सकते हो यहाँ पर येलो हार्ट शेप का पाइनएप्पल फ्लेवर का केक था, तो हम लोग ले लिए। फिर उनसे थोड़ा बातचीत किए, भाई टेस्ट कैसा है, नहीं है, तो उन्होंने बोला नहीं अच्छा टेस्ट है, आप लेके जाओ आपको पसंद आएगा और फिर आओगे। तो मैं बोली चलो अच्छा। मुझे शॉप भी बहुत अच्छा लगा, बहुत सुंदर सा डेकोरेशन किए करके रखे थे उन्होंने। फिर हम लोग केक लेके फिर घर के तरफ गए। जैसे ही केक लेके घर पहुँचे, मेरे छोटी बेटी मम्मी खोलो खोलो खोलो, कौन सा फ्लेवर का लाए हो, कैसे दिखने में। फिर मैंने उसको बोला पहले जाके अपना कपड़ा चेंज करो, उसके बाद हम लोग केक कटिंग करेंगे, फिर अब देख लेना। फिर बहुत देर बाद उसको मनाने के बाद फिर जाके वो अपना कपड़ा, मतलब ड्रेस डाली हो, और फिर फ़ोटो वगैरह निकाला। मैंने बोला अरे पहले हम लोग थोड़ा सा डांस गाना कर ले, फ़ोटो निकाल लें, उसके बाद केक देखना। फिर उससे रहा नहीं जा रहा, तो मैं बोले चलो पहले हम लोग केक उसको दिखा देते, कौन सा कलर का लाए, कौन सा फ्लेवर का लाए, ताकि उसको मन को थोड़ा शांति मिल जाए। उसके बाद
डायरेक्ट हम लोग केक नहीं कटिंग किए, क्योंकि भाई आजकल का रूल्स है पहले केक के साथ फ़ोटो निकालो, उसके साथ रील्स बनाओ, उसके बाद जाके बर्थडे केक को कट करो। मतलब हंसी भी आ रही थी, केक भी बोल रहा था शायद से बस हो गया अब मुझे कट करो और खा लो, ऐसा सिचुएशन था। लेकिन मैंने बोला नहीं, ये साल में एक बार भाई बर्थडे हम लोग बनाते। तो आप लोग यहाँ पर देख रहे हो एक जन हमारे साथ इंजॉय करी, हमारा कोई गेस्ट नहीं है, हमारे घर के मेम्बर्स है, ये हमारे भाभी है, तो उन्होंने वो आए थे क्योंकि वो इधर ही हमारे बाजू में रहते हैं और उनको भी बहुत अच्छा लगा हमारे साथ इंजॉय करके। तो उसके बाद हम लोग क्या किए, बहुत अच्छे से रील्स वगैरह बनाए, डांस किए, धूमधाम किए एकदम, जैसे उसको लगना नहीं चाहिए कि हम लोग 4 जने, उसको लगना चाहिए कि 4 से हम लोग 40 जने, इस तरीके से उसको हम लोग इंजॉय करवाए हैं। उसके बाद हम लोग केक कटिंग किए हैं। बस उसका एक ही डिमांड जो है मैं पूरा नहीं कर पाई हूँ, बट उसको प्रॉमिस की हूँ मैं कि मैं तुम्हारा ये डिमांड पूरा करूँगी। एक्चुअली मैं उसको दे देती बट मिला नहीं, उसको टेटिस्कोप चाहिए, पता नहीं उसको क्या दिमाग में भरा हुआ कि मुझे साइंटिस्ट बनना है, मुझे चांद तारा देखना है, सूरज देखना है, एनी टाइम यूट्यूब में भी वही सर्च करते रहती है। तो मैंने फिर भी शॉप में ढूंढा, बहुत मुझे मिला नहीं, मुझे थोड़ा बुरा भी लग रहा था, और जो भी मिल रहा था वो टॉयज़ के जैसे था, जो कुछ काम का नहीं था। तो मैंने बोला ठीक है मैं आपको दूंगी, प्रॉमिस कर रही हूँ। जो उसका मन में था, उसको पता नहीं क्यों साइंटिस्ट का बुखार चढ़ा हुआ है। फिर मैं बोली चलो अभी तुम बर्थडे सेलिब्रेट कर लो, केक कटिंग कर लो, तुम्हारे गिफ्ट मैं बाद में दे दूंगी। लेकिन हाँ, उसका दीदी प्यारी सी गुड़िया से एक दीदी है, जो बेचारी थोड़ी थोड़ी करके पैसा वो अपने सेव करके रखी थी, और उसको बहुत सारा गिफ्ट उसका पसंद से दी है वो। केक कटिंग के बाद हम लोग केक, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह खाए, उसके बाद डिनर भी कंप्लीट किए, और इसी तरीके से पूरा बर्थडे सेलिब्रेशन इसका हम लोग कंप्लीट किए। और फिर कल से हम पार्लर जाएंगे, और फिर आप लोगों को पार्लर का भी ब्लॉग करना है मुझे, जो अभी टाइम नहीं मिल रहा है। तो प्लीज़ अगर आप लोगों की वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा, और मेरे चैनल में जो भी नए आए हो उनको मैं रिक्वेस्ट करना चाहूँगी, पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।